अनंत मिश्रा जी जिस समय चुनाव कैंपेन कर रहे हैं इस समय तो आप डीआईजी बन गए रहते, लेकिन अफसोस नहीं हो रहा कि हम डीआईजी बने रहते? इस तरह दादा जो है गलियों में घूम रहे हैं, लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं। मुद्दे होते हैं, बरगलाने वाले होते हैं, भड़काने वाले होते हैं, और जन सुराज मुद्दा लेके आया है, पढ़ाई का, दवाई का, कमाई से तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, 400 रुपये का पेंशन मांग रहे हैं। यार यहाँ पे आप लोगों से बात करिए तो हमसे बोलते हैं भैया तू हमको 400 रुपये वाला पेंशनवा दिला दो ना, हम वोट दे देंगे। यानी विपक्ष लोग यानी बीजेपी माले वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई जो है किसान बनाम जो है बाहुबली है, इस पर क्या सोचते? बाहर जाना पड़ रहा है, दवाई कराने बाहर जाना पड़ रहा है, कमाई करने के लिए रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और बहुत बार तो वापस लौटते नहीं, उनका डेड बॉडी लौट। आप एक ही हमारा नैरेटिव है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। राज्य विधानसभा जो कि आनंद मिश्रा जी अपना चुनावी कैंपेन जो है जनसुराज के लिए कर चुके हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं, आनंद मिश्रा जी हैं जो कि इनसे बात करते हैं। देखिए हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं। आनंद सर, किस तरह से आप तरारी विधानसभा उपचुनाव में जो है कैंपेन कर रहे हैं जनसुराज के लिए? नहीं देखिए, हम लोग पूरा का पूरा हम लोग जो कैंपेन में लगे हुए हैं आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से, और यहाँ की जनता जो है वो समझ गई है इस बात को कि अब की बार हर बार लोगों के जो मुद्दे होते हैं बरगलाने वाले होते हैं, भड़काने वाले होते हैं, और जनसुराज मुद्दा लेके आया है, पढ़ाई का, दवाई का, कमाई का, और सारी जनता की सुनवाई का। तो जनता को भी ये बात समझ में आ गई है कि जो भविष्य है वो जनसुराज उस रास्ते को प्रबल और प्रखर तौर पे खोलने के लिए आया है, और ये बच्चों के जो स्कूल के बस्ते के से माध्यम से ही ये गुजरेगा, ये विकास और भविष्य का रास्ता। तो इसलिए स्कूल के बस्ते के लिए हम लोग यहाँ सबसे वोट मांग रहे हैं। किरण सिंह जी हमारी जो प्रत्याशी हैं वो पहले भी एक एनजीओ के माध्यम से अपने माध्यम से जितना हो सके वो कोशिश कर रही थी समाज के लिए कल्याण और काम करने का, हमने ही उनको प्रेरित किया। वो कोई राजनीति करने वाली महिला नहीं थी, हमने प्रेरित किया कि बहन आप जब इतना काम कर रही हैं अपने छोटे से जो भी आपके पास संसाधन है उससे, तो क्यों ना आप विधायिका बने और आप आके जो सरकार का संसाधन है, जो पब्लिक रिसोर्स है, उसको जनता के काम में इसी ईमानदारी के तौर पे आप काम करिए। तो इन मजबूत मुद्दों पे हम लोगों से जुड़ रहे हैं, इन मजबूत मुद्दों पे कह रहे हैं कि अब की बार जो वोट होगा किसी और के बच्चों के नाम पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप दीजिए। अच्छा, ये यानी विपक्ष लोग यानी बीजेपी माले वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई जो है किसान बनाम जो है बाहुबली है, इस पर क्या सोचते हैं आनंद मिश्रा जी? यहाँ देखिए, ये जो कह रहे हैं इसी में तो भुलाए हैं ना सबको, इसी में बरगला के रखे हैं। हम लोग कह रहे हैं यार लड़ाई कहाँ है, यार यहाँ तो लड़ाई है ही नहीं, यहाँ तो बात है बच्चों की भविष्य बनाने की। आप हमेशा लड़ने का, तोड़ने का, काटने का, बांटने का, ये क्यों बात करते हैं? आप एक ही हमारा नैरेटिव है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इस बात पे हम इस चुनाव में, इस निर्वाचन में लोगों को पार्टिसिपेट, इसमें भाग लेने के लिए कह रहे हैं कि आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, आप साथ रहिए, एक साथ आइए, मिलके जन सुराज का हाथ थामिए। हम किसी से कहीं कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ कोई बाहुबली बालूबली कोई महाबली नहीं है, और जन सुराज के आने से सिर्फ एक ही चीज़ है सबके दिमाग में, खलबली है। पिछले दो बार यहाँ पर माले पार्टी जो है जीती है, इस पर क्या सोचते हैं आप? हाँ तो देख, दुर्दशा है, आप देख लीजिए हम क्या सोचते हैं, पब्लिक को बोलिए सोचने के लिए। हम तो सोच रहे, इसलिए नौकरी छोड़ दिए, हम तो सोच ही रहे और हम सोच के तो उस पर काम भी कर रहे हैं। पब्लिक को बोलिए सोचिए कि 10 साल से आप MLA बना के बैठे थे, उसके पहले दूसरे दल को भी बना के बैठे थे, यही नहीं पूरे बिहार में लोग चुन रहे हैं, 35 साल से चुन रहे हैं एक के बाद एक। आप अपनी दुर्दशा देख लीजिए, जमीन पर खुद ही देख लीजिए, अपने गिरमान में अपने बच्चों को देखिए ना, कितना बच्चे के पैर में चप्पल है, देख लीजिए आप हालत क्या बना के रखा है। तो ये देख के वोट दीजिए, हम थोड़े बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो वोट दे दीजिए। जाइए अपने बच्चों को देखिए, अपने घर का देखिए, हर उस अपने आदमी का देखिए जिसको मजबूरी में पढ़ने बाहर जाना पड़ रहा है, दवाई कराने बाहर जाना पड़ रहा है, कमाई करने के लिए रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और बहुत बार तो वापस लौटता ही नहीं, उनका डेड बॉडी लौटता है। किसका? मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी का। अरे मुख्यमंत्री जी का पूरा राज्य है, आगमन हो, स्वागत है, तो उससे क्या करना है? नहीं तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सबका आना चाहिए, चिराग पासवान भी साथ में आ रहे हैं, सबको अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। अब यही है कि अब लोग यहाँ पे जो सोच रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे तो भाजपा को नहीं, हो तो एक्चुअली मुख्यमंत्री जी को, तो नीतीश जी को लिए वोट दे रहे हैं, ये बात तो उनको समझने का। आज मुख्यमंत्री जी खुद ही आ जा रहे दिखाने के लिए कि वोटवा तो हम खाली भाजपा के पीछे छुप के हम मांग रहे हैं, भाजपा को तो वोट ही नहीं, वोट तो नीतीश जी के लिए है। युवा जिस तरह से आगे आ रहे हैं सर, क्या लग रहा है आने वाले 2025 में जन सुराज को आप कहां पे देखते हैं? देखिए 2024 में ही हम जन सुराज को बहुत मजबूती से स्थापित होते हुए देख रहे हैं, और जो युवा इसलिए ज्यादा जुड़ रहे हैं क्योंकि भविष्य युवा का है, जिन्होंने अपना देखिए यहाँ पे तो कुर्सी का इस कदर मोह है
है ना, कई माननीयों का कि चाहे आदमी की तबीयत भी खराब हो जा रही है फिर भी नहीं छूट रहा है ना, इतना मोह है। तो अब युवा को यह बात समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे मोह माया में फंसे हुए लोगों के हाथ अपना भविष्य देते रहेंगे तो इनका भविष्य यही गर्त में जाएगा। जिस तरह से इनके बुजुर्ग, आज हमारे बुजुर्ग जिस तरह से तड़प रहे हैं, तरस रहे, 400 रुपये का पेंशन मांग रहे यार, यहाँ पे आप लोगों से बात करिए तो हमसे बोलते भैया तू हमको 400 रुपये वाला पेंशनवा दिला दो ना, हम वोट दे देंगे। हालत देखिए क्या कर दिया है हमारे समाज का, हमारे बूढ़े वृद्धों का, आप हालत देखिए। अगर यहाँ पे हमारे युवाओं को मजबूत कर दिया होता, मैं ही बता रहा था अपना एग्जांपल, कि मुझे जब सैलरी मिलने लगा मैं जाकर माँ को 10,000 रुपये देना शुरू कर दिया, 20,000 रुपये दे देता था, तो फिर माँ क्या कभी जाएगी 400 रुपये का पेंशन मांगने? कभी नहीं। तो इन बच्चों को मजबूत बनाइए, इतने मजबूत बना दीजिए कि उनके माँ बाप ऐसे फेंके हुए भीख के पेंशन के लिए वो इसके लिए मोहताज ना बने, बच्चे इतने मजबूत हो जाए कि अपने परिवार को, अपने समाज को, पूरे बिहार को इस गरीबी के गर्त से जो 35 सालों में डूबता चला जा रहा उससे निकाल के बाहर ला सके। अनंत मिश्रा जी जिस समय चुनाव कैंपेन कर रहे हैं इस समय तो आप DIG बन गए रहते, लेकिन अफसोस नहीं हो रहा कि हम DIG बने रहते इस तरह ज्यादा जो है गलियों में घूम रहे हैं, लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए आप ना, मैं अपने आप को ये समझता हूँ जैसे पानी का बूंद होता है। अब वो पानी का बूंद अगर एक गिलास में है तो उसको क्या कहेंगे? गिलास का पानी। और वही जब पानी का बूंद समुंदर में होगा तो समुंदर कहलाएगा। तो मैं गिलास के पानी से निकल के समुंदर में आके मिल गया हूँ, तो कैसा मेरा नुकसान? बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। आनंद मिश्रा जी थे जो कि जन सुराज पार्टी के लिए जो है तरारी विधानसभा चुनाव में जो है कैंपेन कर रहे हैं। तमाम उनके जो समर्थक है, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं, उनके पीछे पीछे जो है चल रहे हैं। देखना है कुछ ही दिनों में जो है 2-3 से 4 दिनों में जो है ये तरारी विधानसभा में चुनाव होना है।